के सुपरस्टार सनी देओल हाल ही में रिलीज हुई फिल्म गदर 2 को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं और फिल्म की पूरी टीम गदर 2 की कामयाबी पर काफी ज्यादा खुश है। और इसी बीच उनकी एक और फिल्म का बड़ा अपडेट सामने आया है। जी हां दोस्तों, सनी देओल अपनी एक और फिल्म लाहौर 1947 बहुत जल्द देकर आ रहे हैं और ये खबर है कि फिल्म राजकुमार संतोषी की डायरेक्शन में बनाई जाएगी। और राजकुमार संतोषी ने घायल घातक जैसी बड़ी फिल्में डायरेक्ट की हैं और उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है कि लाहौर 1947 बहुत बड़ी फिल्म होने वाली है और इस फिल्म में सनी देओल लीड रोल में नजर आएंगे। और रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म में संजय दत्त और सलमान खान भी नजर आ सकते हैं। और ये फिल्म 1947 में दो मुल्कों के पार्टीशन को लेकर बनाई जाएगी और फिल्म में सनी देओल जबरदस्त एक्शन करते दिखाई देंगे। और कहा जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग बहुत जल्द स्टार्ट कर दी जाएगी क्योंकि राजकुमार संतोषी मुंबई में लाहौर सिटी का सेट तैयार कर रहे हैं क्योंकि फिल्म का बहुत बड़ा हिस्सा इसी सेट पर शूट किया जाएगा। और अगर इस फिल्म की शूटिंग 2024 में स्टार्ट होती है तो फिल्म हमें 2025 के फर्स्ट मंथ में देखने को मिल सकती है और इस फिल्म का बजट भी 200 करोड़ होने वाला है। तो दोस्तों आप क्या कहते हैं इस फिल्म को लेकर, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।